सुनो, कहाँ जा रही हो आज तुम? ब्यूटी पावर? क्या करने? तुम्हारा बाल बड़ा हो गया है क्या? हाँ। तो घर पे क्यों नहीं कटवा ली तुम? तो मुझे ब्यूटी पावर जाना था। तुम्हें ब्यूटी पार्लर में ही जाके कटवाना था? तो फटाफट से मास्क लगाओ, बिना मास्क के नहीं जाओगी। पहले अभी तो मैं घर पर रुकी थोड़ी है, नाश्ता जब भाई क्यों ठीक है। चलो अच्छा, और वहाँ निकालना नहीं मास्क बिल्कुल भी पार्लर में, ठीक है? ओके, इधर दिखाओ कौन है तुम्हारे साथ में। ए रशि, ये कौन है? रशभरी। कहाँ जा रही हो रशभरी? कहाँ जा रही हो जी? ये मेरी दोस्त की आई है। खुश है, पूरा खुश है एकदम, दौड़े पड़ी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज श्रेणिका के हेयर कट का व्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली उसने लॉकडाउन में मैंने एक बार उसका घर पे ही हेयर कट किया था, बट उसके बाद उसको पता नहीं क्या धुन संवार थी कि उसको ब्यूटी पार्लर में ही हेयर कट करवाना है, तो इसलिए आज मैं उसको ब्यूटी पार्लर ले करके आई हूँ। हालाँकि बच्चों के साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक, बट फिर भी मैं उसको लेकर के आई हूँ, क्योंकि उसके बाल सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे और फेस्टिवल आ रहे हैं तो वो अच्छे भी लग रहे थे इसलिए। तो ये हम लोग आ गए हैं पार्लर में, और मैं आप लोग को एक पार्लर का क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि क्या है। एक्चुअली मैंने पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया था पार्लर में कि किस टाइम पे वहाँ पे क्राउड कम होता है या लेस क्राउड होता है, तो उसी टाइम पे हम लोग आएंगे, और उन्होंने जो टाइम बताया था वही उसी टाइम पहुँच गए थे। और चूँकि बच्चे का हेयर कट था तो जो मतलब जूनियर असिस्टेंट होते हैं ना, वो रेडी नहीं हो रहे थे हेयर कट के लिए, तो सीनियर मोस्ट को बुलाया गया था, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के केस में सभी को डर लगता है कि कहीं वो हिलाए ना या इस तरीके से, तो बस उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ कि ये है पूरा पार्लर जहाँ पर हम लोग गए थे हेयर कटिंग के लिए, और ये कॉर्नर के जो फ्लावर्स थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अभी आगे की वीडियो में आप लोग देखिएगा कितनी संजीदगी के साथ में श्रेणिका ने अपना पूरा हेयर कट करवाया था यहाँ पर। काल क्यों दी पहनो? पहनो, हेयर कट होगा क्या तुम्हारा आज? तो इस तरीके से अब उसकी सेटिंग हो रही थी, मतलब उसको चेयर पे बिठा करके और फिर रेडी कर रही थी जो वहाँ पे थी। एक्चुअली ये जो कपड़ा है ना, ये हम लोग घर से ही लेकर के गए थे, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कपड़ा कैसा नहीं, तो इसलिए हम लोग घर से ही लेकर के गए थे और उसको वही लगवाए थे, क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं ना वो लग जाते हैं कपड़ों में, चिपक जाते हैं, तो फिर वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसी को सेट कर रही थी। और श्रेणिका खूब इन्जॉय कर रही थी इस चीज़ को, मतलब उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ब्यूटी पार्लर में हेयर कट का। इससे पहले उसका जब हेड शेव हुआ था तब तो मंदिर में ही हुआ था, और उसके बाद में फिर एक बार वो सलून में गई थी कट करवाने, और अब ये फिर घर में उसका कट हुआ था, और फिर अब ये हो रहा है पार्लर में उसका हेयर कट। मतलब इससे पहले उसने सलून में तो करवाया है, बट फर्स्ट टाइम वो पार्लर में करवा रही है। और ये आ गई थी उसकी कटिंग करने के लिए, और बस उसके हेयर को गीला वीला करके सेट करके चेक कर रही थी कि किस तरीके से उनके हेयर्स को कट करना है, और बस वो इन्जॉय कर रही थी पूरा। तो आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से श्रेणिका पूरा अपना हेयर कट इन्जॉय कर रही है। और ये जो हम लोगों ने करवाया था हेयर कट, ये कोई पर्टिकुलर मतलब ऐसा कटोरा कट या इस टाइप का कोई कट नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने प्रॉपर एक ब्लंट शेप बोला था, तो वही उन्होंने मीडियम ब्लंट शेप दे दिया था हेयर्स को।
इस तरीके से श्रीका का फर्स्ट हेयर कट हो गया और जो भी छोटे मोटे से हेयर्स थे हेयर ड्राई करने के बाद बस उसको अभी सेट कर रही थी ये, और उसके बाद बस ये फाइनल लुक आ गया। ये आईब्रो बनवाना है, बनवा लो थोड़ा सा, बनवा लो, सुंदर लगोगी, सुंदर लगोगी, बनवा लो, अभी नहीं थोड़ी बड़ी हो जाना तब ना। ठीक है, तुम्हारा हेयर कट हो गया, अच्छा हुआ है, उड़ रहा है तुम्हारा बाल। हाँ, कहाँ पे कटवाई हो हेयर? ब्यूटी पार्लर।